प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इधर आइए, कॉनकेव मिरर है ये, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ स्फेरिकल कर्व्ड या डिप्रेस्ड घसी हुई है। ये उसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये लॉन्ग स्ट्रेट इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट साइड से मोस्टली कैसी रेज आती है? पैरेलल इंसिडेंट रेज, जो किसके पैरेलल होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉनकेव मिरर पे गिरी, कॉनकेव मिरर ने रिफ्लेक्ट करेगा, और ये रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन पॉइंट से पास, इंटरसेक्ट, मीट या कन्वर्ज होंगी, नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, डिनोटेड विद कैपिटल एफ। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ, डिनोटेड विद स्मॉल एफ। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देन इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट साइड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड एंड पास और कन्वर्ज और इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, डिनोटेड विद कैपिटल एफ। And the distance between pole and principal focus of a concave mirror is known as focal length, denoted with small f. वो spherical mirrors जिनका aperture यानी कि effective diameter ये चीज small होता है, छोटा होता है, वहां पे radius of curvature focal length का just double होता है। तो R is equal to twice F, radius of curvature is equal to twice the focal length for the spherical mirrors having small apertures. Okay, now principal focus of a convex mirror. What do you mean by principal focus of a convex mirror? Let's see. This is a convex mirror. You can see its reflecting surface spherical or curved outward or bulged. आप देख सकते हैं ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ स्फेरिकल कर्व्ड या फिर बल्ज्ड उभरी हुई है। कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल, और जैसा कि हम जानते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में पीछे की तरफ होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, मतलब एक नॉन डेफिनेट डिस्टेंस पे बहुत दूर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो ऑब्जेक्ट साइड से जो इंसिडेंट रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है? पैरेलल। कॉन्वेक्स मिरर पे गिरी और रिफ्लेक्ट हुई। आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर ने इनको ऐसे रिफ्लेक्ट किया कि ये अलग अलग डायरेक्शंस में गई, डिफरेंट डायरेक्शंस में गई। इसका मतलब ये कहीं पे भी जाकर मीट, इंटरसेक्ट या कन्वर्ज मिलेंगी नहीं। फिर इसका मतलब ये है ये पीछे किसी पॉइंट से डाइवर्ज हुई है। वो पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हम इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे विद ब्रोकन लाइंस, तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जहां से ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लग रहा है मानो डाइवर्ज हुई है। दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह कॉन्वेक्स मिरर के पीछे यानी राइट साइड में होगा, डिनोटेड विद कैपिटल एफ। और आप जानते हैं पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, डिनोटेड विद स्मॉल एफ। और जिन कॉन्वेक्स मिरर या ये कॉन्केव मिरर में भी एप्लीकेबल था, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स का अपर्चर कम होता है, वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। तो आर इज इक्वल टू
twice the focal length for the spherical mirrors having small apertures. ये तो बात हुई principal focus of a convex mirror. फिर से एक बार बता दूं. When an object is placed at infinity in front of convex mirror, then incident rays coming from object side parallel to principal axis get reflected. These reflected rays appear to be diverged from a common point on principal axis known as principal focus of a convex mirror denoted with capital F, and the distance between pole and principal focus of a convex mirror is known as focal length denoted with small f, and spherical mirrors having small apertures for that radius of curvature is twice the focal length. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से जो रेज आती है, मतलब दूर से जो रेज आती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, और कॉन्वेक्स मिरर उन्हें ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है, तो कहीं मीट इंटरसेक्ट या कन्वर्ज नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगता है मानो कि वो पीछे किसी पॉइंट से क्या हुई है, डाइवर्ज. तो प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट से वो डाइवर्ज होती भी निकलती भी लगती है. दैट कॉमन पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर डिनोटेड विद कैपिटल एफ. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. एक चीज और, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा रेस को इसी तरह रिफ्लेक्ट करता है कि वो कहीं मीट इंटरसेक्ट कन्वर्ज नहीं होती, बल्कि ऐसे लगता है मानो पीछे किसी पॉइंट से डाइवर्ज हुई है, यानी वो रिफ्लेक्टेड रेस को किसी एक कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज करता है, इसलिए दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रेस ऐसे लगता है मानो डाइवर्ज हुई है, उस पॉइंट पे बनती है इमेज. इसका मतलब इमेज मिरर के पीछे बनेगी, और ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, जो मिरर के पीछे बनती है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, और जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होती है सीधी. इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर is known as diverging mirror because it always diverges the reflected rays and forms the image behind the mirror known as virtual image, which can be seen but cannot be obtained on screen, and virtual image is always erect image. So convex mirror always forms virtual and erect image. ठीक है, अब जैसे यहां इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज कहां से डाइवर्ज होती भी नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि मानो वो प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज होती भी नजर आ रही है. इसका मतलब यहां इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी जो मिरर के पीछे है. ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो दिस इज all about principal focus of a convex mirror. Now next is rules of reflection. देखिए rules of reflection में हम ये पढ़ेंगे कि अगर incident ray अगर ऐसे आती है, मान लो principal axis के parallel आती है, तो वो कैसे reflect होगी. ठीक है, अगर principal focus से होके आती है तो वो कैसे reflect होगी. अगर center of curvature से पास होती भी आती है तो कैसे reflect होगी. ठीक है, etc. तो हम ये देखेंगे कि अगर इंसिडेंट रे का पाथ ये है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका पाथ क्या होगा. दीज आर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रे डायग्राम्स, क्योंकि अगर आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया कि अगर इंसिडेंट रे का पाथ ऐसा है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा होगा, तो आप किसी भी केस का रे डायग्राम बना सकते हैं. मैं आपको बता दूं, देर आर फोर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन इन योर सिलेबस. फर्स्ट रूल ऑफ
रिफ्लेक्शन। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का पोल ये है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कॉनकेव मिरर के सामने यानी लेफ्ट साइड में होते हैं। नाउ आप देखिए इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। दिस इज रूल नंबर वन। क्या है, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यही रूल अप्लाई होता है कॉन्वेक्स में भी, लेकिन रे डायग्राम अलग है। वो ये है, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कॉन्वेक्स मिरर उन्हें रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्टेड रे कहां से डाइवर्ज हुई होगी, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर वहां से निकली होगी। ठीक है, सो दिस इज रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट, जिसको मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिला के कलेक्टिवली बोल रही हूं। इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ रूल नंबर टू रूल नंबर वन का रिवर्स है, अपोजिट है। कैसे, देखिएगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, सो इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम रूल कॉन्वेक्स में भी है, बट ये इसमें एक्चुअल में पास होती है, ठीक है, और यहां पर डायवर्जन होता है। तो देखिए एक बार, इफ एन इंसिडेंट रे अपीयर्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे लगता है कि मानो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो रूल तो देखा जाए तो सेम है, बस टेक्निकली हम उसको एक्सप्लेन अलग तरीके से करेंगे और रे डायग्राम अलग बनेगा, क्योंकि यहां एक्चुअल में पास होती है और यहां पर ऐसे लगता है कि उस तरफ जा रही है कि वहां से निकली है। ठीक है, तो रूल नंबर टू को मैं दोनों मिरर्स के रेस्पेक्ट में एक साथ बोल रही हूं। इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और appears to be directed towards principal focus of a convex mirror, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. So this is rule number two. Now rule number three. If an incident ray passes through center of curvature of concave mirror, then after reflection it follows same path. अगर कोई incident ray center of curvature से पास होती है तो reflect होने के बाद same path follow करेगी, जैसे आई है वैसे ही वापस reflect हो जाएगी। In the same way convex mirror में भी यही है, if an incident ray appears to be directed towards center of curvature of a convex mirror then after reflection it follows same path. कहने का मतलब, अगर incident ray ऐसे लगता है कि center of curvature की तरफ जा रही है,
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करती है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर के लिए रूल कलेक्टिवली बोलें तो होगा इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू और अपीयर्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलोज सेम पाथ। ओके नाउ रूल नंबर 4, इफ एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑब्लिकली टू द पोल ऑफ द मिरर देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली। मतलब अगर इंसिडेंट रे पोल पर ऑब्लिकली गिर रही है तो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली ही होगी। मतलब पोल पे तिरछी गिर रही है तो तिरछी ही रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा का एंगल बनाएगी। देखिए तो आप देख सकते हैं चाहे आप कॉन्वेक्स में देख लीजिए कॉन्केव में इंसिडेंट रे पोल पर ऑब्लिकली गिर रही है थीटा का एंगल बनाती हुई और रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगी थीटा का एंगल बनाती हुई। इसी तरह कॉन्वेक्स में भी। सो आई कैन से दैट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन 4 इज इफ एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑब्लिकली टू द पोल ऑफ मिरर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑब्लिकली विद द सेम एंगल थीटा। ओके दिस इज ऑल फॉर टुडे। In next class, we will draw ray diagrams of concave and convex mirror in which we keep object at different positions and see where their images are formed, what are the sizes of that images and what is the nature. Thank you. Have a nice day.